हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। थियोरेटिकली हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लेकर के सिमिलैरिटी, फिर सिमिलैरिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की हम लोगों ने। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी को अप्लाई करके देखा। पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोगों ने बहुत सारे आउटकम्स निकालने की कोशिश की, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम, हम लोगों ने काफी रिलेशंस देखे। आई होप आपने प्रीवियस सारे लेक्चर अटेन कर लिए हो। थ्योरेटिकली ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक दो थ्योरम और है, बट वो करेंटली सिलेबस से हट गई है, जैसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहे तो एनसीईआरटी देख सकते हैं, एक्चुअली देखिएगा भी, प्रूफ भी कीजिएगा, और अगर इनकेस नहीं कन्वर्स प्रूफ हो रहा हो तो कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं एक क्लास ले लूंगा उसके ऊपर। सो आज मैं रैंडमली, मैंने एक दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट A। ओके, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए, जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं NCERT, अगर कोई साइड बुक है आपके पास, RS अग्रवाल एडिशन में, व्हाटएवर, सिमिलैरिटी के जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, या अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, अगर आपके पास आप वो सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आप सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं और ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो होता क्या है कि जनरली जब हम बुक में देखते हैं तो हमारे वहां पर डायग्राम बना हुआ होता है, और डायग्राम देख करके हमारी नीयत खराब हो जाती है ना। आपका जो आपके अंदर एक चीट आ जाता है कि डायग्राम पे नजर, जैसे ही आपकी डायग्राम पे नजर पड़ गई, आपको कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा करना है ना। अगर बुक वाले ने, राइटर ने खुद से कोई कंस्ट्रक्शन की है तो आपने सोचा नहीं, एक्चुअली आपने देख लिया है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो ऑनेस्ट बहुत रहना होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो फिगर पे बिल्कुल नजर नहीं जानी चाहिए, फिगर छिपा लीजिए, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन, जैसे अगर एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, क्योंकि फिगर की नीड नहीं है, जो कुछ भी बताना था उसने बता दिया। अगर फिगर दे देता है क्वेश्चन पेपर में तो वो आपके लिए एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है, बट आपको यही मान करके पढ़ाई करनी है कि फिगर ऐसे क्वेश्चन में ड्रॉ करके नहीं देगा। हमें अपनी मेंटल एबिलिटी से बात को समझना और एक फिगर ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ए पर, फटाफट से बना लेते हैं। 90 डिग्री वाला वर्टेक्स ए रखना है, बाकी आप कुछ भी रख लीजिए, मैं इसको बी लिख रहा हूं, कहीं भी आप बी सी लिख सकते हैं। BL एंड CM आर मीडियंस, सी से सामने वाली साइड पर एक CM मीडियन ड्रॉ कर देंगे, और बी से सामने वाली साइड पर एक BL मीडियन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दीज टू आर मीडियंस, शो दैट BL² प्लस CM² इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC² गिवन। आप खुद से लिखेगा राइट एंगल ट्राइंगल CM एंड BL आर मीडियंस, ये सब आप खुद से लिखेगा टू प्रूव दैट, ये भी आप खुद से लिखेंगे, यही चीज प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ देखते हैं, अगर नीड पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर ठीक है। सो LHS लेकर के चलते हैं, हमको इसे इसके बराबर प्रूफ करना। सो LHS इज 4 टाइम्स BL² प्लस CM² सिमिलर ट्राइंगल्स में जनरली 3 क्राइटेरियाज हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर, दूसरा सिमिलर ट्राइंगल्स पर, और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम पर। अगर रेशियोज की बात हो रही है ना, साइड्स का रेशियो प्रूव करना है, तो आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या सिमिलर ट्राइंगल्स पर। लेकिन यहां देखिए, कोई रेशियो वगैरह नहीं लिखा हुआ है, सबके साइड सूट्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। साइड्स का स्क्वायर किसमें आता है? पाइथागोरस थ्योरम में, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में कह भी दिया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देख करके तुरंत एक लीड मिलनी चाहिए कि ये क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड, है ना, उसी को यूज करके। इसमें सिमिलैरिटी का उस तरह से लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली सिमिलैरिटी ही इन्वॉल्व है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किस बेसिस पर हुई थी? सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ हुई है, तो इनडायरेक्टली कोर मटेरियल तो सिमिलैरिटी है, बट ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पर डील होगा। तो आप सिमिलैरिटी के बारे में या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैसे टैकल करें।
So BL square LHS में दिखाई दे रहा है और CM square दिखाई दे रहा है, this BL and this CM, and we have to convert this BL square plus CM square into BC square. That is this. अब अगर आप देखें तो इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं. एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा LAB, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा CAM, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा बड़का CAB. ठीक है, एक तो दो छोटे 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 ट्राइंगल और एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है CAB. So, एक बार पाइथागोरस थ्योरम इस पे भी लगाया, इस पे भी लगा, अच्छा कुछ ठीक है. तो BL स्क्वायर को मुझे रिप्लेस करना है इस तरह से कि BC स्क्वायर. अच्छा BC स्क्वायर क्या होता है? BC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाँ है ना. BC स्क्वायर, ये RHS को BC स्क्वायर लाना है. BC इज हाइपोटेनस है ना, ट्राइंगल CAB का हाइपोटेनस है. तो BC स्क्वायर क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अगर मैं LHS में AB स्क्वायर और AC स्क्वायर ले आऊं, क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर? अगर LHS मेरा BL CM में ना हो करके AB और AC में रहे, तब हम BC बना सकते हैं, है ना. ये BC स्क्वायर बन सकता है. क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना है आपको. आपको लीड कहां से मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन टैकल कर देना है, है ना. अंधेरे में तीर नहीं चलाना, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए कि अच्छा ये स्टेप ऐसे लेकर के चलेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन. दिखाई देना चाहिए, व्यू आना चाहिए. ये नहीं कि हाँ रट्टा मारा हुआ है या ऐसे ही. ओके, सो चलिए सबसे पहला काम, BL स्क्वायर ये हाइपोटेनस है देखिए इस ट्राइंगल का. आई होप ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में आपको ये सब प्रॉपर. BL स्क्वायर इज हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल LAB. So BL square can be written as AL square plus AB square. So मैं BL square की जगह लिख दे रहा हूँ AL square plus AB square. हाँ? आप चाहें तो यहाँ रीजन लिख दीजिए. Since BL square is equal to AL square plus है ना AB square. ये right angle triangle है. ओके, फोर देखिए ए बी स्क्वायर से हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. याद रखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको बीसी स्क्वायर लाना है. बीसी स्क्वायर लाना मतलब हमको एलएचएस में ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर चाहिए. ए बी स्क्वायर चाहिए और ए सी स्क्वायर चाहिए. हमको एलएचएस को ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इसी में रखना है, क्योंकि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर एड होकर क्या दे देगा, बीसी स्क्वायर देगा. तो अपना ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए. तो ए बी स्क्वायर आ गया, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है. AL स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, हमको AL नहीं चाहिए, हमको तो AC चाहिए. क्या AL को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये मीडियन है, मिड पॉइंट है. तो इसका मतलब AL जो है वो AC का हाफ होगा. तो मैं AL की जगह लिख सकता हूं टू टाइम्स, ध्यान दीजिए, मैं AL की जगह लिख सकता हूं टू टाइम्स, सॉरी टू टाइम्स नहीं यार, AC बाय टू और इसका स्क्वायर. AL लेंथ जो है वो AC का हाफ होगी, AC का हाफ है. तो मैंने AL की जगह AC by 2 रख दिया और फिर AL का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया प्लस. अब ये दोनों डिजायर्ड चीजें हैं जो हमें चाहिए थी. हम चाहते थे कि AB स्क्वायर AC स्क्वायर आए, वो आ रहा है. प्लस CM स्क्वायर हम नहीं चाहते, हम CM स्क्वायर नहीं चाहते क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा नहीं है. हाँ, मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं इसको काफी, ताकि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं, सर कहाँ से शुरू करें, किसका स्क्वायर कहाँ से लगाएं, है ना. बस मैं चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाए कि इस तरह क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बहुत आसानी से इनको टैकल किया जा सकता है. CM स्क्वायर, CM देखिए ये ओके. तो अब इस ट्राइंगल में आप देखिए आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा सी ए एम, इन ट्राइंगल सी ए एम है ना. तो सी ए एम में सी एम स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं ए सी स्क्वायर, है ना. ये हाइपोटेनस है CM, और हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर. ए सी स्क्वायर से मुझको कोई दिक्कत नहीं है, ए एम स्क्वायर से मुझको दिक्कत है ना. AC square plus AM square. अब मुझको AC से कोई इशू नहीं है, मुझे प्रॉब्लम AM से है. AM नहीं चाहिए मुझको, तो AB चाहिए था. तो AM को मैं लिख सकता हूं AB by 2. AM को मैं लिख दिया
एम को मैंने लिख दिया ए बी बाई टू होल स्क्वायर। अब देखिए जो मेरा एल एच एस था लेफ्ट हैंड साइड था वो ए बी ए सी ए बी ए सी सिर्फ ए बी ए सी में है। अब हम सही चल रहे हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ ए सी स्क्वायर और यहाँ ए बी स्क्वायर। अच्छा ये ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर बाई फोर आएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है एड हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बाई फोर। या ऐसे कर लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और ये दोनों सम हो गए क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर बाई फोर ये ए बी स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई फोर, है ना ए बी स्क्वायर बाई फोर ए सी स्क्वायर बाई फोर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का सम क्या है बी सी स्क्वायर। तो इसको मैं बहुत आराम से लिख दे रहा हूँ बी सी स्क्वायर बाई फोर। अब देखिए ये भी बी सी स्क्वायर ये भी बी सी स्क्वायर लाइक टर्म्स है ऐड कर लीजिए, फोर टाइम्स फोर वन जा फोर एंड वन फाइव बी सी स्क्वायर अपॉन फोर, ये फोर और फोर कैंसिल हो गया और जो आ रहा है वही हमारा आर एच एस है। देखिए अब अभी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, जब आप पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ए एम CM का स्क्वायर निकाला, फिर लिखा इन ट्राइंगल एल ए बी बी एल का स्क्वायर निकाला, जनरली ऐसे ही प्रूव किया जाता है ना, ऐसे 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 टीचर सॉल्व करते हैं कि इन ट्राइंगल एल ए एम पहले बी एल का स्क्वायर निकालो फिर इन ट्राइंगल सी ए एम फिर सी एम का स्क्वायर निकालो, है ना। मैं आपसे एकदम स्ट्रेट कह रहा हूं जो एल एच एस या आर एच एस में जो आपको बल्कि ग्रुप दिखाई देता है जैसे ये काफी बड़ा है इसको इसमें कन्वर्ट करना इस सिंपल छोटे टर्म में सिंप्लीफाई करना आसान है, इससे यहां से आरएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा तो काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मगर इसको इसमें कन्वर्ट करना आसान है तो इसको देख करके चलिए मुझको इसे बीसी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ऐसे सोचना है कि बीसी स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या चाहिए, बीसी स्क्वायर कैसे आएगा, बीसी स्क्वायर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से, मतलब हमको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए लेकिन यहां बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब मुझको बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर को इन दोनों को ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना, बस ये आपका मेंटल में ना दिमाग में छवि होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ कर, लीड तो यही है उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल बी एल स्क्वायर को इसमें चेंज किया, सी एम स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट किया, इस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर से हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, हमको ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर चाहिए था, ए एल स्क्वायर को हमने ए सी में कन्वर्ट किया, ए एम स्क्वायर को हमने ए बी बाई टू लिख दिया। अब देखिए सब ए बी ए सी में आ गया, अब हमको ऐसा लगने लगा कि हाँ क्वेश्चन बन जाएगा हमारा और उसके आगे की कहानी बड़ी साफ है और सिंपल है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो, ठीक है। मेक श्योर कि आप डायग्राम बुक से बिना देखे बनाएं, ठीक है, जब तक अनलेस डायग्राम बुक में दिया, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखा रहता है इन द गिवन फिगर इन द ड्रॉन फिगर, है ना, तब तो उसने डायग्राम दिया तब आप देख सकते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसा कोई लाइन यूज नहीं की इन द गिवन फिगर एंड ऑल दैट तो उसका मतलब वो डायग्राम नहीं दे रहा है। तो सोल्यूशन या एग्जाम्पल जब अभी आप सॉल्व करें तो फिगर ना देखें, स्पेशली ज्योमेट्री में, ठीक है, फिगर देखने का मतलब है कि आपको आपने आधा सोल्यूशन देख लिया, आपको दिमाग में कैसे आएगा। सबसे ज्यादातर स्टूडेंट, ठीक है, जिनकी मैथ्स थोड़ी सी जो थोड़ा मैथ्स से घबराते हैं फिगर ही सही से नहीं बना पाते, क्वेश्चन टफ नहीं होता, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, देखिए चतुराई देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, डी एक पॉइंट है बीसी पर, सच दैट बी डी ब्ला 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 कुछ लिखा हुआ है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमेशा मैथ्स लगाते समय बहुत शांत रहिए, लग गया तो भी ठीक, नहीं लग गया तो भी ठीक, कोई बात नहीं, बहुत रिलैक्स रहना जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन का थोड़ा सा फिगर वगैरह ट्रू डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को विजुलाइज करने की कोशिश करिए। डी बी सी पर, ये बी सी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल सारे एंगल 60 डिग्री। ओके तो डी हम एक बी सी पर एक पॉइंट डी लेना है इस तरह से सच दैट बी डी जो है वो बी सी का वन थर्ड हो, मतलब बी सी का वन थर्ड यहां पर कहीं। ओके ये हम एक पॉइंट डी ले रहे हैं, मान लीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द पॉइंट डी, ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर।
सबसे बड़ा इशू क्या है कि तीन ट्राइंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज की सिमिलैरिटी पर तो बेस्ड नहीं है डायरेक्टली, है ना, मतलब सिमिलर ट्राइंगल में रेशियोज वगैरह की बात होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जैसा भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड रहती है, जो कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामने से तो नहीं दिखाई दे रहा, एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड होती, यहाँ पे तो कोई किसी कोई साइड आपस में पैरेलल नहीं है, एनी टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, तो थेल्स थ्योरम जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा सामने से फ्रंट से, कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो बात अलग है, सिमिलर ट्राइंगल जैसा भी कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा। और प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट 9AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, 90 डिग्री का ट्राइंगल भी, ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला है, ना एग्जाम में अगर हमारे सामने आया तुमको ये ना डिसाइड हो कि अगर लगाया हमने तो ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा आपको, जो कि आपको ये दिखना चाहिए कि साइड्स का स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद पाइथागोरस ट्राइंगल से रिलेटेड हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर अपनी ओर से ड्रॉ कर लीजिए, इसका नाम मैं ले दे रहा हूं एन, दिस इज द परपेंडिकुलर वी हैव ड्रॉ, हमको नहीं मालूम ऐसा करने से कुछ फायदा होगा कि नहीं, हम बस एक इंट्यूशन आ रही है हमें, एक हमारी इंट्यूशन एक मन कह रहा है कि शायद ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड हो, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से टैकल हो सकता है तो हमको एक 90 डिग्री ट्राइंगल चाहिए, राइट ट्राइंगल चाहिए, तो हमने एक परपेंडिकुलर अपने मन से ड्रॉ कर लिया। यहीं से क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो AD लाइन थी वो A वर्टेक्स से ड्रॉ थी, हमको AD स्क्वायर चाहिए, AD स्क्वायर है ना, वो इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बीच में, इसके लिए हाइपोटेनस का काम करेगा, इसलिए हमने इसे ड्रॉ किया है। ओके, सो गिवन टू प्रूव दैट, ये सब आप खुद लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन इसमें हम लोगों ने एक अपने साइड से की है, एंड वी डोंट नो वी आर राइट और नॉट, ओके बस हम देख रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट AM परपेंडिकुलर ऑन BC, प्रूफ देखते हैं क्या है, तो आप इसको LHS लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको RHS लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ना तो LHS बल्कि मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने से बात तो एक ही है, तो LHS ही लेकर के चलते हैं, श्योर विश 9AD स्क्वायर, हमको लाना AB स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए हमको चाहिए AB स्क्वायर, AB स्क्वायर ट्राइंगल 90 डिग्री का कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, कितने 90 डिग्री के ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये AMD, एक AMC और एक AMB, तीन राइट ट्राइंगल्स हैं इसमें, तो AMB में देखिए एक राइट ट्राइंगल तो ये वाला इधर वाला, उधर वाले की बात ही नहीं करते, चलिए इस ट्राइंगल में AB स्क्वायर हमको लाना है, AB स्क्वायर कैसे आएगा, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से, हाँ है ना, मतलब मुझे किसी तरह से LHS में LHS से मुझको AM स्क्वायर चाहिए और BM स्क्वायर चाहिए, बस ये अपना हिसाब है, अगर मैं LHS में AM स्क्वायर और BM स्क्वायर ला दूं तो मैं उसको AB स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये 9 कैसे आएगा, ये मतलब ये 9 कैसे हटेगा, ये 7 कैसे आएगा, ये सब हमारी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन है कि इस AD स्क्वायर को AB स्क्वायर में चेंज करने के लिए मुझे पहले AD स्क्वायर को AB स्क्वायर में चेंज करने के लिए मुझे AM स्क्वायर चाहिए और BM स्क्वायर चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, शुरू करो, LHS 9AD स्क्वायर, हमें AD एक हाइपोटेनस है छोटे वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल AMD में, AD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, AM स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ध्यान रखिए ये सब आपका काम है, एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे, ठीक है ना, सिंस AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, अब ये AD स्क्वायर को मैंने ये कैसे लिखा, ये क्लास 7 से हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये सब मैं अपने से मेंशन नहीं कर रहा, इतना तो मैं 10th के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप इतना तो खुद से कर सकते हैं, सो मैं बिल्कुल फॉर्मल डायरेक्ट प्रूफ पे काम कर रहा हूं। ओके, ध्यान दीजिए मुझको AB स्क्वायर चाहिए था और AB स्क्वायर लाने के लिए मुझे AM स्क्वायर चाहिए था और BM स्क्वायर चाहिए था, यस BM स्क्वायर, देखिए AM स्क्वायर तो आ रहा है, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है,
मैं इसको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, ये एज इट इज रही है, तुमको चाहिए ही था एम स्क्वायर, तुमको चाहिए एम स्क्वायर के साथ, बस और क्या चाहिए, बी एम स्क्वायर चाहिए, लेकिन बी एम स्क्वायर ना आकर के डी एम स्क्वायर आ जाए। अब ये बड़ा इशू है कि हम डीएम को बी एम में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए मैं डी एम की जगह लिख दे रहा हूं, डी एम स्क्वायर की जगह लिख दे रहा हूं बी एम माइनस बी डी, बी एम माइनस बी डी होल स्क्वायर। बहुत ठंडे दिमाग देखिए, मैंने डी एम की जगह ये लेंथ कैसे आएगी, ये लेंथ आएगी बी एम में से बी डी माइनस करके। सर आपने यही क्यों किया मुझे नहीं मालूम, मुझे डीएम को बीएम में कन्वर्ट करना था, मुझे डीएम को इस डीएम को बीएम में कन्वर्ट करना था, तो मैंने डीएम को देखा भाई डीएम की जगह मैं बीएम के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, तो मैं डीएम को लिख सकता हूं बीएम माइनस बीडी। तो यहां एक सवाल आता है कि आसमान से गिरे खजूर पलट के, हमको डीएम परेशान कर रहा था, डीएम को हटाने बीएम लाने के चक्कर में आप बीएम तो लाए लेकिन फिर बीडी आ गया, अब इस बीडी का क्या करेंगे, हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए एएम स्क्वायर और बीएम स्क्वायर। ऑनलाइन क्लास है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से कनेक्ट होकर के अगर आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल सारी बात समझ में आएगी, ठीक है। आपकी मैथमेटिक्स कैसी भी हो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम बस मालूम है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि वो क्या होती है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, सो डीएम को मैंने, मेरे दिमाग में था, मेरी इंटेंशन थी कि डीएम को मुझे बीएम के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने डीएम की जगह लिखा बीएम माइनस बीडी। अब मेरे लिए एक अलग मुसीबत है कि बीडी का क्या करेंगे, बीएम तक तो ठीक है, बीएम स्क्वायर हमको चाहिए, लेकिन अब इस बीडी का क्या करेंगे, तो बीडी प्रॉब्लम ना बने इसीलिए बीडी की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है कि बीडी आया और क्वेश्चन वाले ने कुछ दिया है मुझे, यहां पर हेल्प करने के लिए क्वेश्चन खड़ा है मेरे साथ, तो देखते हैं आगे क्या होता है, वी डोंट नो, ठीक है। बस हम देख रहे हैं, आई डोंट नो कि ए एम स्क्वायर, ये तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अभी ये सब चैलेंज है हमारे लिए, है ना, इसका क्या करना है ये भी हम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रेज कर दे रहा हूं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट, है ना, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आई डोंट नो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। मतलब अब आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको तो है ना, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि किस एक्सरसाइज का कहां क्वेश्चन है, खुद से देख लो यार कहां का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। सो एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, जो मैं इसको कैसे लिख दूं, यहां पर कर दे रहा हूं, नाइन दिख रहा है यहां पर, हाँ चलो नाइन, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर जो मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस, अब ये सब दिक्कत है। अच्छा BD की वैल्यू दी थी 1 बाई थ्री बी सी, तो मैंने BD की जगह लिख दिया 1 बाई थ्री बी सी स्क्वायर, हमको नहीं मालूम इसका क्या होगा, बट क्वेश्चन वाले ने दिया था तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो मैंने BD की जगह लिख दिया 1 बाई थ्री बी सी, BD वॉज वन थर्ड ऑफ BC, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने BD की वैल्यू यहां पुट कर ली, इस BC का क्या करेंगे अभी हमको नहीं मालूम, प्लस सॉरी माइनस टू टाइम्स BD, BD की जगह मैं लिख दू 1 बाई थ्री बी सी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, BM। अच्छा अब एक बहुत पुराना ज्योमेट्री का रिजल्ट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए मैं ये वाली लाइन इरेज कर दे रहा हूं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं, ये ए बी ए सी के बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बीच की साइड कॉमन है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यही इक्विलेटरल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड ही उसका मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है सब, यही अल्टीट्यूड भी है, यही मीडियन भी है, यही एंगल बाइसेक्टर भी है, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, द करस्पॉन्डिंग मीडियन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर विच इज फर्दर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीडियन एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होते, तो ए पॉइंट वर्टेक्स ए से यही अल्टीट्यूड भी है, वर्टेक्स ए से यही मीडियन भी है, वर्टेक्स ए का एंगल बाइसेक्टर भी यही है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर हुआ तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये साइड इसके बराबर हुई तो ये मीडियन हुआ, है ना, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये अल्टीट्यूड, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये मीडियन का बीएम जो है वो बीसी का क्या होगी, अगर ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, तो बीएम बीसी का क्या होगा, हाफ होगा,
ये आपको करके शो करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता रहा हूं आप इसको कैसे लिखेंगे। बीएम की जगह मैंने लिख दिया हाफ ऑफ बीसी, और आप यहां एक रीजन लिखेंगे, सिंस बीडी वॉज गिवन एज 1/3 बीसी, ये गिवन था, एंड वट बीएम बीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, क्यों, सिंस एम सॉरी ऐसे लिख लीजिए ए एम विल बी मीडियम ऑल्सो। तो ये हमने इंफॉर्मेशन बता दी कि मैंने बीडी की जगह 1/3 बीसी क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। बीएम की जगह आपने 1/2 बीसी क्यों लिखा है, क्योंकि ये एम जो है वो मीडियम है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। कैसे मीडियम है ये आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए नाइन्थ का जो कंटेंट यूज हो रहा है वो हम उस तरह से बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि हाँ क्लास सेवन्थ का कोई रिजल्ट यूज हो रहा है तो हम उसको पहले प्रूफ करें, इन सबको अलग से पहले प्रूफ करने की कोई नीड नहीं। आपने बता दिया कि भाई सर ये मीडियम का काम कर रहा है, अब कैसे मीडियम का काम कर रहा है वो टीचर की समस्या है समझना, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप टेंथ में जो पढ़ रहे हैं उसको जस्टिफाई करेंगे, नाइन्थ में एट्थ में नाइन्थ एट्थ का कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं उसे जस्टिफाई नहीं करेंगे। ओके तो अब इस पर काम करते हैं फटाफट से। नाइन ए बी स्क्वायर प्लस ये देखिए बी सी स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा, माइनस ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी बी सी स्क्वायर बाई थ्री आ गया। यहां तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, मैं फिर से कुछ लाइन इरेज कर दे रहा हूं। अच्छा चलिए कुछ लाइन इरेज कर दे रहा हूं। बी सी हमको सब ए बी स्क्वायर प्रूफ क्या करना था, हमको सब ए बी स्क्वायर लाना था, है ना, सेवन ए बी स्क्वायर लाना था, लेकिन यहां ए बी स्क्वायर तो आ रहा है सर, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। ये बी सी स्क्वायर कहां से आ गया, तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब बी सी हो गई, ए सी हो गई, ए बी हो गई, सब बराबर है। तो मैं यहां बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ए बी स्क्वायर लिखूंगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन थ्री। रीजन आप लिख लेंगे सिंस बी सी इज इक्वल टू ए बी। अब बड़ा आसान है, ये ए बी स्क्वायर अपॉन वन, ये नाइन, ये थ्री, एलसीएम ले लीजिए नाइन टाइम्स, देखिए वन नाइन और थ्री का एलसीएम क्या आ जाएगा, नाइन। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, ये नीचे वाला प्रीवियस पार्ट था, ठीक है। ये वन नाइन और थ्री का एलसीएम ले लिया हमने नाइन, यहां पर आ जाएगा नाइन ए बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस, नाइन से नाइन में डिवाइड करेंगे वन, वन ए बी स्क्वायर आ गया, माइनस थ्री से नाइन में डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री ए बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। नाइन एंड वन टेन, टेन में से थ्री चला गया, ये नाइन और ये नाइन तो कैंसिल हो जाएगा, नाइन एंड वन टेन ए बी स्क्वायर, टेन ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा सेवन ए बी स्क्वायर, और यही हमारा आर एच एस था। देखिए हमको पता ही नहीं चला कि कब नाइन कैंसिल हो गया और सेवन अपने आप आ गया। कोफिशियंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, साइड्स पर फोकस करना है आपको। हमको दिया गया था नाइन ए डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना था ए बी स्क्वायर में, क्या प्रूफ करना था याद है ना, नाइन ए डी स्क्वायर को हमें प्रूफ करना था सेवन ए बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना था हमें। तो हमने हमने एल एच एस लेकर के चला, ए डी स्क्वायर लिया था, ए डी स्क्वायर को हमने चेंज किया ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ये देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हमको लाना है ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर करके, तो ए एम स्क्वायर तो आ रहा था, ये तो मेरे फायदे की चीज है, ये तो मेरे काम की चीज है, इसको मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये परेशानी कर रहा है। हमको चाहिए बी एम, आ गया डी एम, डी एम नहीं चाहिए था हमको, तो हमने सोचा यार डीएम का क्या करें, हमको चाहिए तो बी एम था, क्योंकि ए है ना ए एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर करेंगे तब ए बी स्क्वायर आएगा, ए एम स्क्वायर तो आ रहा है, बी एम स्क्वायर आता तब ना, तो बी एम नहीं आ रहा था, तो बी एम की जगह डीएम आ रहा, तो डीएम को हमने क्या लिखा, बी एम माइनस बी डी लिख दिया। हमको बी एम चाहिए था, इसलिए हमने डी एम की जगह बी एम माइनस बी डी, इसमें से बी डी माइनस करेंगे तो डीएम आएगा, तो डीएम की जगह मैंने लिखा बी एम माइनस बी डी, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब क्या करें,
मैथमेटिक्स से मजबूरी है, करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये बी एम स्क्वायर आ गया, तो मेरे काम का था। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बिना देरी किए मैंने इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को ऐड करके फट से ए बी स्क्वायर लिख दिया। अभी ये सब सरदर्द है वो बात की चीजें, बट इतना तो हमारा काम, इतना तो अपना उल्लू सीधा हो गया कि भाई ठीक है। बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी सी बाई थ्री। बी डी की जगह हमने लिखा बी सी बाई थ्री, क्यों, इस क्वेश्चन में दिया बता, ठीक है। माइनस यहां भी बी डी की जगह हमने बी सी बाई थ्री लिखा, और इस बी एम की जगह हमने लिखा वन बाई टू बी सी। अब ये क्यों लिखा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये टू टू कैंसिल हो गया, बी सी हमको तो ए बी चाहिए था, ये बी सी कहां से आ गया, तो क्या दिक्कत है, बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी वॉज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने बी सी जहां जहां बी सी लिखा था वहां ए बी लिख दिया, बी सी बी सी था, हमने ए बी, हमारा सारा एक्सप्रेशन ए बी में दिखाई दे रहा है, ए बी स्क्वायर तो आ गया। अब बस पंगा ये था कि नाइन की जगह सेवन कैसे आया, तो हमने बस एलसीएम वगैरह लिया, नाइन अपने आप पड़ गया, सेवन अपने आप आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही हो। देखिए थ्योरी अपनी जगह है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक मैथमेटिक्स होती है। आप क्या देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, आप कितने काम रिलैक्स और कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन के साथ, ये नहीं कि आपके मन में बहुत कौतूहल चल रहा हो, आप बहुत बिजी हो, पैनिक कर रहे हैं क्या यार मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगी, जिनको थोड़ा मैथ्स फोबिया होता है, जस्ट बी रिलैक्स, है ना। क्वेश्चन लग गया तो मुस्कुराइए, नहीं लगा तो जोर से मुस्कुराइए, लेकिन मैथ्स को लेकर के बहुत फ्लेक्सिबल रहा कीजिए। अगर आपसे चार सवाल लग गए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो गई, आपसे दो सवाल नहीं लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मैथ्स बहुत खराब है। Just keep on practicing, okay? Next lecture में I'll be waiting for your doubts in this chapter. Next lecture में depend करता है, अगर आपके doubts आएंगे तो हम लोग discuss करेंगे, वरना हम लोग next lecture में शायद आगे बढ़ें। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। Bye.